वेरी गुड, अच्छे तरीके से पढ़ा करो, पढ़ने में टाइम लगाओ। लाडवा ब्रांच से इस हफ्ते में दूसरी बार मिठाई आई है, ताली बजाओ जोरदार। ये नर्सिंग में लग गई है, नर्सिंग में सुएं लगाने होते हैं, सुएं लगाने होते हैं। और अच्छा, तुम्हारा डिपार्टमेंट बच्चों का, फिर बच्चों को क्या लगाते हैं? हाँ अच्छा, वेरी गुड। ये 0 से और 18 साल तक के बच्चों के लिए जो है ना, अगर उनमें कमी है तो उनको चेकअप करते हैं, चेकअप करके कोई कमी है तो सरकार के द्वारा इलाज मुफ्त मिलता है। तो भाई अजय, तू चेकअप करवा ले, कोई कमी हो तो ठीक कर देंगे। यो अजय बताए जा, अगर मेरे में कमी है अलग अलग, अब तो भाई देख घराई डॉक्टर आ रहे हैं, हाँ घराई गंगा जी बह रही है, चेक कर देंगे। रसगुल्ले खाओगे, गुलाब जामुन? तू बता क्या खाएगी? पहले खाओ, मैं भी खा लूंगा, ये लो। एक गुलाब जामुन और खा ले, खा ले, खा ले, फिर मैं भी खा लूंगा। तुम लोग ही बताओ भाई, दो तो बनती है ना मिठाई, बनती है। देख सारे क्या है, सबके समर्थन से एक खा ले, खा ले। मैं भी खा लूंगा, तू खा ले, एक खा ले, एक खा, ये तू खा, फिर मैं खा लूंगा, खा ले, खा ले, खा ले। नहीं तो तेरे में कमी हो जाएगी, खा ले, खा ले, खा ले, खा ले, एक खा ले, चल मान जा, मान जा। चल मान जा तू, मान जा, मान जा। मैं भी खा लूंगा, मैं दो खा लूंगा, तू खा। लो लो लो। ले तो मैं खा लेता हूं। इब तू भी खा, खा ले, खा ले, एक में तो के फा। बबीता मैम से मिली थी? अच्छा, बबीता मैडम को इन्होंने खिला दिया पहले ही। मिलना मिली नहीं हो, मैडम के पास क्यों नहीं ले गए पहले? तमन्ना पिटवाओगे, मन्ना पहले डर लागे जा है। अच्छा, कितने दिन पढ़ी तुम आईसीएस में? नो पहले खा लूंगा फिर बताओ। इन बच्चों से बात करोगी थोड़ी? करो, वेरी गुड। सभी को मेरी राम राम। देखो कुछ मेरे यहाँ पे भाई है, कुछ बहने हैं, कुछ बेटियां हैं और कुछ बेटे हैं, कुछ बेटे हैं और कुछ बेटियां हैं। देखो मैंने अपनी पढ़ाई 38 ईयर में स्टार्ट की थी, 38 में पढ़ाई स्टार्ट की थी। और मुझे सभी ये कहते थे तेरी कोई उम्र है पढ़ाई करने की। मेरे पापा को एक्सपायर हुए 30 ईयर्स हो गया, उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, जिम्मेवारी मम्मी के ऊपर थी, मम्मी घर के काम करते थे जगह जगह जाके। हम 5 भाई बहन थे और हैं, पर सिलेक्शन सिर्फ मेरी हुई है। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं
देखा मुझे सभी कहते थे कि पढ़ाई मत कर, पढ़ाई मत कर, तेरे से कुछ नहीं होगा। मेरी उस टाइम गुड़िया छोटी थी, जब मैं राजेंद्र सर लाडवा गई, राजेंद्र सर के पास, मैंने कहा सर मैंने पढ़ाई करनी है। उस टाइम मेरी गुड़िया छोटी थी, मेरे हस्बैंड ने अच्छा मेरा साथ दिया, बहुत अच्छा दिया उन्होंने, कहते तू पढ़ मैं तेरा साथ दूंगा। बहुत बढ़िया। देखो कहते हैं ना, जैसे बिल्कुल हाथ के साथ हाथ मिला के हस्बैंड मेरे साथ चले, मैं पढ़ती थी वो काम करते थे। मेरी बात सुनने की है, तालियां बाद में देना। देखो हस्बैंड कौन सी फैक्ट्री में मिलते हैं इनको बताओ। शायद सर मैंने अच्छे कर्म किए हैं आपकी तरह, बबीता मैडम की तरह। मैंने अपने आप को बंद दरवाजे में बंद कर लिया था, बंद कर लिया था, बिल्कुल कमरे में बंद कर लिया था मैंने अपने आप को। पढ़ती रहती थी मैं, दिन रात पढ़ती रहती थी। मैंने एक चीज सोच रखी थी, मैंने हर हाल में नौकरी लगना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। इवन मेरे हस्बैंड को सभी गली वाले भी कहते थे तू काम करता है, वो कहाँ है, वो काम नहीं करती है, कुछ नहीं करती है। हस्बैंड कहते हैं उसको तो करा कराए काम दिखेगा, उसको तो दिखेगा काम कैसे होता है, वो करेगी नहीं। मैं कर रहा हूँ, तुम्हें क्या जलसी है, तुम्हें क्या जलसी है। मेरे हस्बैंड यही जवाब देते थे सबको भी, तुम्हें क्या जलसी है, मैं कर रहा हूँ काम। मैं कम से कम एक साल पढ़ी हूँ, अभी मन लगा के दिन रात पढ़ी हूँ। मेरे पास बच्चा भी छोटा था, आज मेरी गुड़िया 5 साल की है, उस टाइम गुड़िया मेरी 3 साल की थी। मैं राजेंद्र सर के पास गई, दिसंबर की बात है, उस टाइम मेरी गुड़िया छोटी थी, मदर इन लॉ के पास छोड़ के, मेरी जेठानी है तो उन्होंने साथ नहीं दिया। मेरी गुड़िया ठंड में घूमना, जुखाम हो जाना, मैंने सिर्फ 15 दिन सर के पास जाके क्लास लिया, मैंने फीस भी भर दी थी, भर दी। जब मेरे को दिखा कि मेरा बच्चा बीमार है, मेरे बच्चे की कोई केयर नहीं कर रहा, मैंने जाना बंद कर दिया। मैं कहा मैं तो ऑनलाइन पढ़ूंगी, जैसे भी है मैं ऑनलाइन पढ़ूंगी, बच्चे को भी देखूंगी और पढ़ूंगी भी। मैं पढ़ी, क्लास मैंने स्टैंड कर दी, मैंने सर से बात करी। उस टाइम मैंने सर से क्लास, मैंने 10,000 की क्लास थी, ऐसी थी ना सर, तो मैंने क्लास ली, क्लास ली। फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं मम्मी के पास गई, मम्मी मुझे पढ़ना है, मुझे बुक्स लेनी है, पैसे दो। किसी तरीके मम्मी ने मुझे पैसे दिए, मैंने क्लास ली, बुक्स ली। फिर मैंने मम्मी को बोला मुझे फ़ोन चाहिए, मम्मी ने मुझे फिर फोर्स किया, ले थोड़े बहुत पैसे दे, बाकी तू अपने आप कर ले। मैंने फ़ोन लेके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, मैं पढ़ी, बुक्स ली। धीरे धीरे मेरे पास टाइम नहीं होता था, बच्चा भी होता था, घर का काम भी था, हस्बैंड भी थे, सब कुछ था, फिर भी मैं पढ़ी। सर जैसे अब भी बातें कर रहे थे ना आप लोगों के साथ, इतना ब्रेक होता था, मैं काम करने के लिए फटाफट लग जाती थी, सर का ब्रेक है चलो बातें कर रहे हैं, तो इतना चीज मैं अपना काम करती थी, घर का ये कर ले वो कर ले ये कर ले वो कर ले, फटाफट इधर से सर की क्लास, इधर से ये बर्तन, इधर से ये रोटी, इधर से ये कर, इधर से गुड़िया आने का टाइम होता है, गुड़िया को लेने के लिए मैं जाती थी, क्रैच में थी उस टाइम वो गुड़िया, तो टाइम होता था लेने के लिए, मैं फ़ोन भी अपने साथ लेके जाना, ऐसे लिड्डे लगी होनी, और लोग मेरे को देखते थे ये हर टाइम पता नहीं फ़ोन में क्या करती रहती है, हर टाइम फ़ोन में बड़ी रहती है, शायद ऐसी है शायद वैसी है। मैंने दुनिया की परवाह नहीं करी, मैं कोई बोलता बोलने दो, मैं पढ़ी, आज जो भी कुछ हूँ सर और मैडम की वजह से हूँ। मैंने फॉर्म भरा, हमारा NHM का फॉर्म होता है, मैंने फॉर्म दिया, उसका रिटर्न पेपर था, मैंने दिया, मेरे 100 में से 96 मार्क्स थे, 96। और 4 नंबर मतलब 4 मेरे से गलत हुए, वो भी जल्दबाजी में गलत हुए, वो भी मुझे आते थे। जैसे सर मैडम समझाते हैं ना, मेरा काम ज़्यादा सिर्फ ज़्यादा सुनने का था, मेरे पास पढ़ने का बहुत कम टाइम होता था। रात को मैं बुक्स उठाती थी, पढ़ते पढ़ते सो जाती, बुक्स मेरे ऊपर होती थी, हस्बैंड बुक्स उठा के साइड में करते थे, वो मुझे उठाते नहीं थे, वो नहीं उठाते थे। आज जो भी कुछ हो सर और मैडम की वजह से हूँ। बस मैं आप लोगों को यही कहूँगी, आप पढ़ो, आप उम्र को मत देखो, देखो जनरल हूँ मैं, 42 ईयर्स मिलती है जनरल वालों को, आप पढ़ो कोई बात नहीं, 2-3 साल तो है, 2-3 साल का मतलब आपके पास 6 साल है, दिन और रात मिला के 6 साल है, तो आप पढ़ सकते हो, कर सकते हो। मैं आपको ये कहूँगी आप पढ़ो। और जो बेटियाँ हैं ना, देखो जो मैं भी गरीब फैमिली से निकली हूँ, उन बच्चों को, बच्चियों को मैं ये करना चाहूँगी, वो माँ बाप पता नहीं कैसे कर करके पैसे इकट्ठा करके आपको यहाँ तक भेजते हैं, उनका प्लीज़ भरोसा मत तोड़ना,
पढ़ो और उनको कुछ बन के दिखाओ, ताकि आपके माँ बाप भी कह सके कि हमारे बच्चे स्टैंड है। मैं ये कहूँगी तुम इतनी बड़ी लगती नहीं हो, हैं? अच्छा ये 41 ईयर बता रही हो, मर भला ग्रेजुएशन भी मैंने अभी किया है तो ये 41 की दिख रही है कहीं से? तू 21 बताया कर। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। तू एक तो रसगुल्ला खा ही ले, ले एक खा ले, ले 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 इतनी ना रुचा कर, ले खा ले। या तो चटोरी दो खा जाएगी। आ जा तू खा ले इसके नाम का, आ जा देख ले ले ना इस पे ले। शाबाश, जोरदार ताली बजाओ भाई। पढ़ने की कोई उम्र नहीं, एक घड़ी दे दे भाई एक बार। ऐसे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि मेरी उम्र जो इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई, और ऐसे कई बार लोग आते हैं इस उम्र के नौकरी लग के। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू।